लोगों की जान हम कैसे बचा सकें, लोगों को स्वस्थ हम कैसे रखें, उस पर अमल किया जाए, केवल कागजों पे नहीं बल्कि ज़मीन पर। ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है और इससे तो लोकतंत्र मजबूत होगा, इससे हम लोग अलर्ट होंगे, विभाग अलर्ट होगा, पदाधिकारी अलर्ट होंगे, यही तो बात है। लेकिन आप हेट्रेट पैदा मत करो। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को स्वास्थ्य विभाग भी मिला है। अब स्वास्थ्य विभाग मिलते ही तेजस्वी यादव ने स्वास्थ्य विभाग को लेकर कह दी है बड़ी बात। तेजस्वी ने कहा स्वास्थ्य ऐसी एक व्यवस्था है जिसे दुरुस्त करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। जहां जहां सड़क नहीं है वहां सड़क का निर्माण कराया जाए ताकि एम्बुलेंस आसानी से पहुंच सके। इस नई सरकार में लोगों को कैसे स्वस्थ रखा जाए उसका खास ध्यान भी रखा जाएगा। स्वास्थ्य व्यवस्था पर क्या कुछ कह रहे तेजस्वी यादव जरा सुनिए। देखिए अभी तो चैलेंजेस आते रहेंगे और जो है उसको दूर करना है। चैलेंजेस क्या है आप लोग सब लोग जान रहे हैं। अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था मिले लोगों को, लचर व्यवस्था ना मिले, जो विभाग की ड्यूटी है, जो भी एक रोडमैप तैयार किया गया है या योजनाएं चल रही हैं या जिस पे निर्णय लिया गया है उस पे अमल किया जाए, केवल कागजों पे नहीं बल्कि ज़मीन पर। इसको लेकर के चाहे रोड बनाने की बात हो तो रोड शहर से लेकर के जो है गांव तक रोड बननी चाहिए, जहां पुल नहीं है वहां पुलियां बननी चाहिए लेकिन टाइम पे बननी चाहिए। तो जो भी इशू है, अच्छे अस्पताल हो, लोगों को दवा मिले, लोगों की जान हम कैसे बचा सके, लोगों को स्वस्थ हम कैसे रखें, इस दिशा में हम लोग काम करेंगे। तो अच्छी बात है, हमसे पूछिए ना, रोजगार के बारे में पूछिए, सवाल जितना पूछना, ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है और इससे तो लोकतंत्र मजबूत होगा, इससे हम लोग अलर्ट होंगे, विभाग अलर्ट होगा, पदाधिकारी अलर्ट होंगे, यही तो बात है। लेकिन आप हेट्रेट पैदा मत करो, आप समाज में जहर मत बो, आप भाई को भाई से मत मन लड़ाओ। जब पीस है तब प्रॉस्पेरिटी है ना, और जब सवाल विपक्ष है तभी तो लोकतंत्र है। लेकिन कुछ लोग तो विपक्ष को ही ख़त्म करने में लगे हों, यानी ही लोकतंत्र को ही, डेमोक्रेसी को ख़त्म करने में लगे, तो इससे काम चलने वाला है नहीं। तो आपने सुना कि स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने साफ कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करना है, जो भी बहालियां प्रक्रिया है वो बहाली प्रक्रियाएं चलेगी, जो भी डॉक्टर अपने टाइम से नहीं आते उन्हें टाइम से आना होगा और हाजिरी लगाना होगा, कागजी कलमों से बाहर निकलकर डॉक्टरों को भी काम करना होगा, जिसको लेकर तेजस्वी यादव ने साफ कहा। स्वास्थ्य व्यवस्था को बिहार में नंबर 1 बनाने की भी बात कही जा रही है।